दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो केपी ओली जी प्रधानमंत्री हैं नेपाल के, उनके द्वारा प्रतिनिधि सभा भंग हो गई थी और इसके साथ ही अभी की घटना है कि उन्होंने अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री में कुछ मंत्रियों को साथ में जोड़ा है जो फेरबदल किए हैं। उस पे काफ़ी कटाक्ष और टिप्पणियां हो रही हैं नेपाल के बुद्धिजीवी द्वारा, लॉ एक्सपर्ट के द्वारा। तो इसी विषय में रहते हुए आज बात करेंगे और दोस्तों, वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है, तो आप लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों नमस्कार, दोस्तों मेरा नाम है सचिन और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सचिन यूनिक में। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता दूं, नेपाल की जो लोअर हाउस है, संसद का जो लोअर सदन है, वो भंग हो चुका है, चुनाव निश्चित हैं। और इसी दौरान में, इसी रास्ते में देखा जाए तो कुछ एक घटनाएं बीच में हो रही हैं कि संविधान के आर्टिकल्स का उल्लंघन करते हुए प्रधानमंत्री कुछ ना कुछ अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। तो अभी जो देखने में आ रहा है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री में फेरबदल हुए हैं, लगभग 8 बड़े कैबिनेट मिनिस्टर्स बनाए गए हैं और साथ में मंत्रियों को भी अपॉइंटमेंट दिया गया है। इन मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाने का काम नेपाल के प्रेसिडेंट विद्यादेवी भंडारी जी ने किया। तो अभी जो भी लॉ एक्सपर्ट्स हैं नेपाल में, वो यह कह रहे हैं कि जो नेपाल की संसद अगर भंग हो गई तो उसके साथ प्रधानमंत्री को भी रिजिग्नेशन दे देना चाहिए था। वो भी एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आते हैं, एक सामूहिक जिम्मेवारी के अंतर्गत ये प्रधानमंत्री और संसद आती है, जो एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक पार्ट है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दोस्तों, संसद भंग हो चुकी है और अभी जो है वो केयर टेकिंग गवर्नमेंट के साथ देश चलाने के लिए जो सरकार अभी है, जब तक चुनाव नहीं होते तब तक ये सिर्फ केयर टेकिंग गवर्नमेंट के रूप में ही कार्य करेगी, ये स्वाभाविक सी बात है। परंतु जो इनने संविधान के विपरीत जा करके कार्य किया, वो मैं आपको टेक्निकली बताना चाहूँगा। नेपाल के संविधान के आर्टिकल 77 में यह क्लियर है कि एक बार अगर डिसॉल्व हो गई, लोअर हाउस अगर डिसॉल्व हो गया, तो प्रधानमंत्री को भी रिजिग्नेशन देना पड़ता है। तो यहाँ पे ठीक है, अगर प्रधानमंत्री ने रिजिग्नेशन अगर नहीं दिया तो वो एक देखा जाए तो एक केयर टेकिंग गवर्नमेंट के रूप में भी कार्य कर रहे हैं कि जब तक चुनाव ना हो तब तक वो देश को संभाल के रखे हैं। तो ये एक जिम्मेदारी उनकी भी है। परंतु इस बीच में जो उन्होंने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के फेरबदल किए, यह एक तरीके से असंवैधानिक है और कुछ जितने भी बड़े लीडर्स हैं नेपाल के, वो सब विरोध कर रहे हैं पूरी तरीके से। दोस्तों ये देख लीजिए वीडियो। संसद विघटन गर्ने, चुनाव घोषणा गरेको चाहिँ नाटक गर्ने अनि मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने, त्यो मिल्छ? कतै मिल्छ? म आफै प्रधानमन्त्री भएको मान्छे, मेरै पालामा पनि एउटा संवैधानिक कु गरेर मेरै पालामा पनि संसदलाई विघटन गराइएको छ त्यति बेला। त्यता पनि म जान्न चाहन्छु, इतिहासको पुरानो कुरा भइसक्यो। जब कुनै प्रधानमन्त्री संसद विघटन भइसक्छ, उसले चाहिँ एउटा सामान्य कार्य वाहकको रूपमा मात्रै काम चलाउन पर्छ। भले त्यति बेला म कार्यवाह बनेको थिएन, त्यो बेग्लै प्रसङ्ग थियो, त्यो संविधान सभा पनि थियो, तैपनि मैले एउटा नैतिकताको आधारमा कुनै मन्त्रीहरूलाई मैले थप्ने घट्ने काम घटाउने काम चाहिँ मैले गरिनँ। तर यिनले चुनाव घोषणा गर्ने अनि मन्त्री आफ्नै मान्छेहरूलाई चाहिँ सडकबाट टिपेर मन्त्री बनाउँ, यसको अर्थ के हो? उनलाई दम्म छ, मैले जे गरे पनि हुन्छ, अकन्टक शासन चलाउँछु भन्ने उनको छ। र हेर्नु होला, यस्तो अपकर्म देश पस्यो, यस्तो अँध्यारो सुरुङमा देश पस्यो, यसबाट त्यति सहजै निस्कन गाह्रो छ। तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा दोस्तों, ये थे नया शक्ति पार्टी के संयोजक डॉक्टर बाबूराम भट्टराय जी। ये भी इनका भी यही कहना है कि संसद भंग हो जाती है तो उस वक्त भी केयर टेकिंग गवर्नमेंट के रूप में वो जो सरकार है वो कार्य करेगी, और बस ये कि कोई अन्य प्रभार नहीं दे सकते आप किसी को, और या किसी कोई बहुत बड़ी अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते जो दूरगामी एक महत्वपूर्ण परिणाम जो पेश करने वाली चीज़, ऐसे विषयों पे आप कभी भी निर्णय नहीं ले सकते। और दोस्तों थोड़ा सा पीछे जाकर के इतिहास को समझने की कोशिश करते हैं। 1994 में जो तत्कालीन प्रधानमंत्री गिरिजा प्रसाद कोराला थे, उन्होंने भी संसद भंग कर दिया था और साथ ही साथ उन्होंने रेजिग्नेशन त्याग पत्र भी दिया था। और तुरंत सभा भंग होने के बाद जो चुनाव हुए उसमें फिर 1995 में मनमोहन अधिकारी प्रधानमंत्री बन के आए और वो भी कोई ना कोई कारण से उनको भी संसद को भंग करना पड़ा और उनने भी अपना रिजिग्नेशन था वो उनने भी किया।
और दोस्तों सेम कंडीशन 2002 में भी हुई थी, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री शेर बहादुर देओबा ने भी संसद के लोअर हाउस को भंग कर दिया था और उन्हें भी अपने पद को छोड़ना पड़ा था। तो अभी के जो परिवेश में देखने को आ रहा है कि ज़्यादा अंतर नहीं था दोस्तों। मैं आपको बताऊं कि जो अभी का जो संविधान है और ये जो धारा है आर्टिकल 77, यह जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं सेम टू सेम एज इट इज़ पहले के संविधान जैसे ही हैं। इसमें कोई भी फेरबदल नहीं है, इस पार्ट पे कोई भी चेंजेस नहीं है। यहाँ पे ऐसा है कि जो राष्ट्रपति के द्वारा अगर डिसॉल्व कर दिया जाता है तो उस केस में प्रधानमंत्री अगर जब तक चुनाव ना हो तब तक वो केयरटेकिंग गवर्नमेंट के रूप में काम करेगा, और अगर प्रधानमंत्री ने रिज़ाइन कर दिया तो कोई भी प्रशासक जो भी है प्रशासन देश का ख्याल रखा जाता है जब तक चुनाव ना हो। पूर्व और दोस्तों यही बता दूं, जो पूर्व मुख्य सचिव नेपाल के हैं बिमल कोराला जी, उन्होंने भी यही कहा सरकार के इस निर्णय पे, यह कहा कि सरकार एक केयर टेकिंग गवर्नमेंट के कंडीशन में है और देश को केयर टेकिंग के रूप से जब तक चुनाव ना हो तब तक चलाना चाहिए, और इस दौरान कोई भी महत्वपूर्ण डिसीजन जो आगे कोई कंडीशन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ऐसे डिसीजंस ना लें, और सिफारिश जिसे रिकमेंडेशन भी कहा जाता है वो ना करें, और साथ में बजट से रिलेटेड कोई भी कानून या कोई भी नोटिफिकेशन जारी ना करें। तो ये बहुत जो चीज़ें जो आगे डिस्टर्ब कर सकती हैं किसी चीज़ को, तो उस पर डिसीजन नहीं लें, और जो चुनाव तक का इनको समय नॉर्मली काटना रहेगा। तो दोस्तों इन सारी बातों से ये समझ में आ रहा है कि जो ये स्टेप और संविधान के अंतर्गत जो आर्टिकल है उसका जो उल्लंघन करके कार्य किया जा रहा है तो ये कहीं ना कहीं गलत तो है, और इसका जो बड़े बड़े जो लेवल के लॉ एक्सपर्ट्स हैं वो तो वो एक प्रकार से विरोध तो जता ही रहे हैं, आप लोग देख ही रहे होंगे। पर यह कि अब देखते ही हैं कि आगे क्या होता है, किस प्रकार क्या चेंजेस आते हैं, ये जो वोटिंग से पहले का जो समय इनको बिताना है वो किस प्रकार चेंजेस में आता है, क्या होता है, देखते हैं, और जो भी अपडेट आएगी मैं आपको ज़रूर बता दूंगा दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा दोस्तों। फिर मिलूंगा इस प्रकार के वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।